तंबाकू यानी खैनी, सुरती वगैरह खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ, तो सवाल ये था कि तंबाकू वगैरह से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, पर जिसका खाना हलाल है, जायज़ है, तो उससे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा जाएगा। तो यही बात है कि तंबाकू हो या खैनी हो या ये पान में तंबाकू वगैरह डाला जाता है, तो ये इसको नजायज़ नहीं कहा जाता। तो जब ये खाया जाता है और ये हलाल है तो बिस्मिल्लाह पढ़ा जाएगा, जैसे कि पान खाते वक्त बुजुर्गों को देखा को बिस्मिल्लाह पढ़ करके पान खाते हैं।